आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 रेसलर्स जो अपना रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हो रेसलिंग मसाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 से शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर आता है जेफ हार्डी। तो गाइस कुछ महीनों पहले जेफ हार्डी इंजर्ड हो चुके थे और वो WWE से बाहर थे, लेकिन गाइस जेफ हार्डी की इंजरी ठीक हो चुकी थी और उनका रिटर्न भी होने वाला था WWE में। लेकिन गाइस हुआ ये कि US के पुलिस वालों ने जेफ हार्डी को नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था। तो गाइस जेफ हार्डी ने कौन सा नशा किया था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने नशा किया हुआ था और US पुलिस ने उन्हें पकड़ा था और गाइस कोर्ट में उनका केस चल रहा था। और गाइस जेफ हार्डी अभी वो केस से बाहर निकल चुके हैं। और गाइस जेफ हार्डी के रिटर्न के लिए रॉयल रंबल काफ़ी बेस्ट प्लेस है। काफ़ी बड़े सुपरस्टार रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर चुके हैं और जेफ हार्डी भी अपना रिटर्न कर सकते हैं रॉयल रंबल में। अगर गाइस जेफ हार्डी अपना रिटर्न कर दे तो ये काफ़ी शॉकिंग रिटर्न होएगा रॉयल रंबल में। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आते हैं एज। तो गाइस एज को भी काफ़ी खतरनाक इंजरी थी और उनको रेसलिंग करने से मना किया था डॉक्टर्स ने, इसीलिए गाइस एज रेसलिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन गाइस हमें समर स्लैम में देखा था एज अपना रिटर्न किए थे और स्पेयर लगा दिया था एलियास को। उसके बाद गाइस ये रूमर्स उड़ने लगे थे कि एज अपना रिटर्न करने वाला है, लेकिन गाइस रूमर्स अभी और भी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं एज के रिटर्न के लिए। तो गाइस मुझे लगता है कि रॉयल रंबल में एज का भी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस रूमर्स और न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है एज को लेकर। तो गाइस इस बार के रॉयल रंबल में हमें एज का रिटर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गाइस मुझे तो लगता है कि एज का रिटर्न हो सकता है। अगर गाइस नहीं भी होता है तो रेसलमेनिया में हमें एज का कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा ही। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है द डेड मैन द अंडरटेकर। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है रॉयल रंबल के बाद रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाता है। तो गाइस आप सबको तो पता है कि अंडरटेकर रेसलमेनिया में आते ही आते हैं, उनका मैच तो होता ही है। बात रही पिछले साल नहीं थे अंडरटेकर, लेकिन इस साल अंडरटेकर रेसलमेनिया में ज़रूर होने वाले हैं। अगर गाइस अंडरटेकर रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करते हैं तो उन्हें कोई ना कोई सुपरस्टार एलिमिनेट कर सकता है और वहाँ से ही अंडरटेकर की एक स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी रेसलमेनिया के लिए। और गाइस हो सकता है कि रेसलमेनिया में अंडरटेकर को कोई बड़ा सुपरस्टार फेस करे, इसलिए रॉयल रंबल में हमें कुछ अंडरटेकर का देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि रॉयल रंबल में अंडरटेकर अपना रिटर्न करते हैं या फिर नहीं। तो गाइस बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है द सीना नेशन लीडर 16-टाइम WWE चैम्पियन जॉन सीना। तो गाइस जॉन सीना पूरे साल से गायब है, वो WWE में आए ही नहीं, लेकिन जॉन सीना है जो रेसलमेनिया मिस नहीं करते। और अगर गाइस WWE में अगर जॉन सीना को रिटर्न करना है तो रॉयल रंबल बेस्ट प्लेस होगी जॉन सीना का रिटर्न कराने के लिए, क्योंकि रॉयल रंबल में उनका कोई ओपोनेंट भी देखने को मिल सकता है कि जो जॉन सीना के ऊपर हमला करे या फिर जॉन सीना को एलिमिनेट करे रॉयल रंबल में, और वहाँ से ही जॉन सीना की स्टोरी लाइन शुरू हो जाए रेसलमेनिया के लिए। अगर गाइस जॉन सीना रिटर्न करते हो तो WWE का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा रेटिंग्स के लिए, क्योंकि अगर जॉन सीना आते हैं तो रेटिंग्स भी अपने आप बढ़ने लग जाती है। और गाइस मुझे लगता है कि रॉयल रंबल बेस्ट प्लेस होएगा जॉन सीना का रिटर्न करने के लिए। तो गाइस नंबर 1 पर आता है द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल। तो गाइस कुछ महीने पहले जिंदर महल इंजर हो चुके थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक भी डाली थी और उन्होंने कहा था जब मेरा रिटर्न होगा तभी एक लेजेंडरी रिटर्न होगा, और गाइस वो हो सकता है उनका रिटर्न रॉयल रंबल में। तो गाइस रिसेंटली जिंदर महल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उससे गाइस ये पता लग रहा है कि जिंदर महल अपनी वापसी कर सकते हैं रॉयल रंबल में। तो गाइस ऐसा होता है तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा इंडियन फैंस के लिए जो कि जिंदर महल को फिर से एक बार WWE में देखना चाहते हैं। और गाइस ऐसा होता है तो काफ़ी बेस्ट होगा जिंदर महल के लिए और इंडियन फैंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो बस अच्छी वीडियो से तक थी। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक के बना दो, कमेंट आना, साथ साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ ही साथ गाइज अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और गाइज हमारे सेकंड चैनल मचाओ टीवी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।